हेलो सलीम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मिशाल खान और मिशू व्लॉग्स। और आज हम घर पे हैं और हमने आज बहुत काम किए, बहुत ज़्यादा और टू मच थक गए। और आज हम गए हुए थे बाहर, मेरा जिम और पार्लर था बहरिया टाउन में बनाया था, लेकिन फिर कोरोना की वजह से ना हम लोगों ने बंद कर दिया था। तो मुझे जिम का शौक था, पार्लर में तो खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, पार्लर में वर्कर वगैरह रखे हुए थे, लेकिन जिम का मुझे बहुत शौक था। तो फिर इस वजह से ना, लेकिन कोरोना की वजह से फिर इतनी दूर बहरिया आना जाना बड़ी मुश्किल हुई, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। तो आज फिर हमने वो जो सारा सामान था वो डंप कर दिया था एक जगह पे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी लाइफ की। तो फिर आज हमने वो जो सामान है सारा वो हमने वहाँ से निकाला, बेसमेंट से सारा सामान हमने निकाला और हमने इधर एक जगह पे ना शिफ्ट किया है, क्योंकि जहाँ पे वो सामान था ना वहाँ पे मतलब लड़कियाँ वगैरह जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो बाज़ार के अंदर मतलब थी ना शॉप्स वगैरह बेसमेंट में, तो वहाँ पर लड़कियाँ वगैरह तो नहीं जा सकती थी। तो फिर आज सारा सामान अबू ने 9 बजे जो है ना सारा सामान उठाया वहाँ से और यहाँ पर शिफ्ट किया। एक मतलब घर है उसके मतलब डाइनिंग रूम उन्होंने रेंट पे दिया है, तो वहाँ पे उन्हें हमने सारा सामान जो है शिफ्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा भी सामान है, पॉलर का भी सामान है और जिम का भी सामान है, ट्रेडमिल्स हैं, सिक्स पैक है, मशीन, बटरफ्लाई, स्टेपर, साइकिल, स्लेप्टिकल, फिर पॉलर का भी बहुत सामान है, सेटिंग है सारी वॉल की, फिर चेयर्स हैं, स्टीमर है, हेड स्टीमर, फेस स्टीमर, मैनी पेडी सोफा, मतलब बहुत कुछ है। तो अभी हमने ना सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो आज हम फिर वहीं पे मैं गई भी थी, तो मैंने सारा सामान वगैरह जो है वो डस्टिंग और ये वो, क्योंकि आपको पता है एक साल से ऊपर थोड़ा हो गया था, 2-3 महीने ऊपर हो गया था, तब से वो सामान बंद पड़ा था। तो आज हम लोगों ने फिर वो सामान जो है निकाला, फिर आज हमने उसको साफ़ किया, सारी डस्टिंग वस्टिंग की और इस टाइम वो सारा सामान जो है हमने उठा के रखा है। तो ये था कि आज मैं फिर व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि सारा मैं आज बिजी इतनी थी कि कोई हद नहीं। तो फिर हम अभी घर आए, अभी मैं घर आई हूँ और पहले मैं अफ्तारी से पहले भी गई हुई थी और फिर अफ्तारी के बाद दोबारा हम लोग गए थे। तो अभी हो गया है टाइम 11:30 बज गए, ठीक है, और इसलिए आज हम कहीं गए भी नहीं है क्योंकि आज टाइम नहीं था। तो अब 11:30 बज गए और बाहर एक तो नवाज़ शरीफ का जुलूस या जलसा जो भी था वो आज हो रहा था बाहर, बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैंने वे वीडियो बनाई थी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे नवाज़ शरीफ वाला। और बाकी ये है कि मैं आपको ना पॉलर का दिखाती हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लें, क्योंकि अभी क्योंकि आज मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, टाइम बिल्कुल भी बहुत शॉर्ट था टाइम इस वजह से। अब मैं जा रही हूँ नहाने, शॉवर लेने, और क्योंकि इस टाइम फुल मट्टी 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 हो गए हम लोग, क्योंकि आज बहुत काम किया है इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं शॉवर लेने, फिर हम वहाँ से आके आपको बताते हैं। ये है चेयर पॉलर की, एक ये है और एक ये चेयर है, ये भी सेम ऐसी है चेयर। ये हेयर स्टीमर है और ये LED लाइट है मैग्नीफाई, और ये यूनिट है, और ये ट्रॉली की जो है वो सारा कुछ ट्रॉली की है, और ये सेटिंग है सारी, वो ट्रॉली है ये वाली, और ये सारी सेटिंग है जो सामने वॉल पे एडजस्ट होगी, और ये मार्बल है उसके, और बाकी जो ये है ये फिशर बैर है, ये फिशर बैर है, और ये जो है ये मैनी पैडी की है, ये मैनी पैडी ट्रेडमिल है एक, और ये ट्रेडमिल है, और ये इंक्लाइन वाली है, ठीक है, स्पीड इसकी 12 है और इंक्लाइन इसका 12 है, और ये इसमें ठीक है बहुत ही अच्छी है, और ये ऑक्सीजन की है, और एक ये ट्रेडमिल है, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, और ये भी इसकी इंक्लाइन है इसका 12, स्पीड है इसकी 12, और ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है। ये लाइफ, ये लकी स्पोर्ट्स की, ठीक है, और ये मसाजर है, ये एक एप्स वाली मशीन है, एप्स बैली, एक ये बटरफ्लाई है, इसमें बहुत गेम है बटरफ्लाई, ये पीछे इसके, और एक ये साइकिल है बैली फैट की,
ये के स्टेप पर है, ये के सिक्स पैक है मशीन, ये सिक्स पैक मशीन है। और एक ये है ये थाइस की है साइकिल इलेप्टिकल, ये जो है ये ट्विस्टर है और ये इलेप्टिकल है। बस ये देखिए जी, ये आ रहा है शेक और शेक आगे जा रहा है बस, और ये शेल योमी 29 है, और ये देखिए PML नून PML है। ये देखिए कितना रश है हैदराबाद, बहुत ज़्यादा। अभी हम बाल ड्राई करने लगे और ये देखें और बाल बस ड्राई हो गए और टाइम इस वक्त हो गया है 12:30 इस टाइम, और शेयरी का टाइम भी ऑलमोस्ट होने वाला है। तो बाल ड्राई करने के बाद आपको मिलती हूँ गाँव में। अच्छा जी, अब हमने बाल अपने कर लिए ड्राई और कमरे को कर लिए साफ, देख सकते हैं आप। अब हमारा ये जो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, जो मतलब फेस वॉश करने के बाद में सीरम लाजमी लगाते हैं विटामिन सी का, तो ये हेयर एनर्जी का विटामिन सी सीरम है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को आप रिफ्रेश रखता है, ठीक है। तो ये आप लाजमी यूज़ करें हेयर एनर्जी का, मैं आपको लिंक जो है वो हेयर एनर्जी की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लाजमी यूज़ करें। और ये 2 ड्रॉप्स जो है आपने लेने फेस वॉश करके, सिर्फ आपने रात को लगाने, ये मैं सिर्फ रात में लगाती हूँ, और ये आपने 2 ड्रॉप्स लेने हैं। देखिए ये ऐसे हैं ऑरेंज कलर का, मैं आपको ये देखें के हैं, ये 2 ड्रॉप्स लेने, ठीक है, और बस इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने, और बस आपने ये स्किन पे ऐसे हल्का हल्का मसाज कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है फेस के लिए, तो आप ये लाजमी यूज़ करें। और मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बस कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे। अल्लाह हाफिज़।